निश्चित रूप से योगी सरकार का बड़ा कड़ा प्रतिबंध है, बड़ा प्रबंध है, और आज आप बनारस में ही देख रहे हो हर परीक्षा केंद्र पर चाक चौबंद परीक्षाएं चल रही हैं। निश्चित रूप से किसी तरीके की कोई अनहोनी घटित नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद भी हम बहुत सुधारात्मक दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता गौवंश और निराश्रित गौवंश को लेकर है, और मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौ भक्त हैं। वो इस पर बड़ी विशेष चिंता करते हैं, और इसमें हम सबसे पहले नस्ल सुधार पर ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी देसी गाय है, गावो राष्ट्र से मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं, और गाय पर आधारित अब सारे काम हो रहे हैं। हम देसी गाय की नस्ल सुधार में भी प्रयास कर रहे हैं। देसी गाय नस्ल सुधार में साहिबाल, गिरी, हरियाणवी, गंगा तीरी, थार पारकर, इन गायों का सीमन पशुपालक को फ्री देने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 300 रुपये का सैक सीमन मिलता था, अब बछिया ही पैदा होगी इसका 100 रुपये का कर दिया है। और नंदनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत हम 25 गायों की एक स्कीम लेके आए हैं किसानों को, जो 64 लाख की है। इसमें 50% का अनुदान है। ये उन्नत किस्म की गाय ही इसमें पाली जाएंगी, देसी गाय, ताकि दुग्ध उत्पादन में हम और उन्नति से आगे बढ़ सकें। इस तरीके से हम योगी सरकार पशुधन विभाग में हम इसमें विशेष प्रयास करके उत्पादनता को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, हालांकि जो आरोप लगते रहे निराश्रित गोवंश को लेकर कि उनकी वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ, सरकार जानबूझ के निराश्रित गोवंशों को लेकर कोई नीति नहीं बना रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो र्यूमर था विपक्ष का वो काम कर गया? देखिए, इस बार आपको बताएं, लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशु इस बार मुद्दा नहीं बन पाया। इसका एक ही कारण है, क्योंकि हमने प्राथमिकता पर गौशालाओं में पशुओं को भिजवाने का काम किया, और 75 ही जिलों में हमने भूसा बैंक बनाए हैं। अब गाय कहीं निराश्रित ना रहे, गौशाला में पहुंचाने का काम किया गया है, और हर ज़िले में हम बड़ी बड़ी गौशालाएँ बना रहे हैं 1,80,00,000 रुपये की, और इन गौशालाओं में निराश्रित गौवंश को अच्छी तरीके से रखकर उनका अच्छी फीडिंग कराना, उनका कृत्रिम गर्भाधान कराना। हम गौशालाओं को उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाएंगे, ताकि इस पर कोई कठिनाई ना आ सके। लेकिन मंत्री जी, फिर भी जब रिजल्ट आया तो उन इलाकों से जहां पशुधन या पशुपालक ज्यादा संख्या में, वहां से अपेक्षा की सफलता नहीं मिली। तो लोग कह रहे हैं, विश्लेषक कह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि विपक्ष कामयाब रहा इस रूमर को फैलाने में कि छुट्टा पशु। हम इसमें बहस नहीं करते, दोनों के सामने समस्या है। पहले देखिए, ऐसे होता था, व्यक्ति घर से गाय बेचने ले जाता था बाजार में, तो घर की महिलाएं कहती थीं कि देखो गैया सस्ती बेचे ही हो, कसाई के हाथ मत बेचना। अब पशुपालक जब तक गाय दूध देती है तब तक तो वो पालता है, दूध नहीं देती है इसके बाद छोड़ देता है, तो इसी के लिए हम पशुपालक दूध देने के बाद गाय ना छोड़े तो नस्ल सुधार का भी काम कर रहे हैं, और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम कर रहे हैं, गाय ज़्यादा दूध दें इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है, क्या उम्मीद है इस बार सब कुछ सफल संपन्न हो जाएगा? निश्चित रूप से योगी सरकार का बड़ा कड़ा प्रतिबंध है, बड़ा प्रबंध है, और आज आप बनारस में ही देख रहे हो हर परीक्षा केंद्र पर चाक चौबंद परीक्षाएं चल रही हैं। निश्चित रूप से किसी तरीके की कोई अनहोनी घटित नहीं होगी।